हाथ से नहीं ये शख्स नाक से करता है टाइपिंग। इस दुनिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज ऐसे ही एक और टैलेंट के बारे में हम आपको बताते हैं। हैदराबाद में रहने वाला एक शख्स ऐसा भी है जो हाथ से नहीं बल्कि अपनी नाक से टाइपिंग करता है। नाक से टाइपिंग करने की उसकी स्पीड इतनी तेज है कि बहुत से लोग हाथ से भी इतनी स्पीड से टाइपिंग नहीं कर सकते। जी हाँ, हैदराबाद में रहने वाले इंजीनियरिंग के छात्र मोहम्मद खुर्शीद हुसैन ने 10 साल की ही उम्र से टाइपिंग सीखना शुरू कर दिया था। मोहम्मद रोज 8 घंटे टाइपिंग की प्रैक्टिस करते थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए उन्होंने कम उम्र में ही काफी मेहनत की। उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2 रिकॉर्ड दर्ज है। मोहम्मद ने मात्र 3.5 सेकंड में सारे अल्फाबेट्स टाइप किए। यही नहीं, उन्होंने 47 सेकंड में 103 वर्ड्स टाइप करके नया रिकॉर्ड बनाया। मोहम्मद खुर्शीद को इस दौरान कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका कहना है कि जब वो अपनी नाक की मदद से टाइप करते हैं तो कीबोर्ड भी देखना मुश्किल होता है, इसकी वजह से उन्हें धुंधला दिखाई देने लगता है। मोहम्मद ने पहला रिकॉर्ड 2012 और दूसरा रिकॉर्ड 2014 में बनाया।